बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना आमिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज फ्राइड राइस। तो यहां पर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने अंडा लिया हुआ है, इसमें हम जर्दे का रंग ऐड करेंगे एक चुटकी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम ये अंडा डाल देंगे इसमें, इसको फ्राई करेंगे। बस हल्का सा फ्राई करना है इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ इसको लाल नहीं करना है। बस ये जैसे हो जाता है इसको निकाल लेंगे। ये हो गया, बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे। और इसमें हमने 2 लहसुन के जवे लिए और इनको बारीक चॉप करके रखा हुआ, ये ऐड कर देंगे। हल्का सा सॉटे करेंगे इसको। ये हो गया, अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर डालेंगे, हमने 1 ली थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है, ये हमने 3-4 ले लिए, ये इसमें डाल देंगे। चिकन ली थी हमने बॉईल करके रखी हुई है, ये हम डाल देंगे। थोड़ी सी चिकन ली थी, इसको बॉईल करके रखा हुआ था, ये इसमें डाल देंगे। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च हमने जुलियन कट करके रखी हुई, ये इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर लिया हमने इसमें 1 टीस्पून, ये इसमें ऐड कर देंगे। चाइनीज सॉल्ट जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके तकरीबन बस सिर्फ 5 मिनट इसको बनाएंगे हम। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए, बस इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए, ये अच्छे से सब्जियां हो चुकी हैं, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी कट करके रखी हुई है, थोड़ी सी है बिल्कुल, ये इसमें डाल देंगे। हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये हमने लेके रखा हुआ है, 2 से 3 हमने ले ली थी, ये इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका, और जो हमने अंडा यहाँ पे बना के रखा होता है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने रखे हुए चावल बॉईल करके रखे हुए थे, 6 से 7 घंटे पहले हमने बॉईल कर दिए थे, ये 2 कप चावल हैं, ये इसमें डाल देंगे। चाइनीज जब बहुत अच्छा बनता है कि अगर चावल 1 दिन पहले के हों या पहले से 5-6 घंटे पहले आप इनको अगर बॉईल करके रख लें, और ये फुल कुक होने चाहिए। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तेज आंच पे इनको फ्राई करना है हमें 5 मिनट के लिए। इसको एक्स्ट्रा फ्राई करेंगे। ये देखें चाइनीज राइस बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं अगर आपने वेजिटेबल्स जो है पहले से कट करके रखी हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। बस ये हो गए, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें चाइनीज़ फ्राइड राइस हमने डिश आउट कर दी हैं, बहुत ही मज़ेदार बने, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।